सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। गणेश की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है श्री गणेश जी के द्वार, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का पंचांग 21 अगस्त 2020, दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, रात्रि 11:03 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 9:29 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। वृषभ राशि 21 अगस्त 2020, दिन शुक्रवार, आज आप किसी साझेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इससे आपको रोमांच और साहसी होने की अनुभूति तो होगी, परंतु यह देखना होगा कि यह साझेदारी कितनी सफल होगी। किसी अप्रत्याशित स्रोत से समर्थन सहायता प्राप्त हो सकती है, हालांकि यह अवसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी फैसला लेना होगा। रिश्तेदारों व पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। इन दिनों आपने अपने व्यक्तित्व को निखारने में बहुत अधिक मेहनत की है। आपका बोलचाल का लहजा भी प्रभावित होता जा रहा है। आपके ये गुण आपके आर्थिक व व्यावसायिक मामलों में बहुत अधिक सफलता प्रदान करेंगे। आज के दिन आपके लिए कुछ मामलों में थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। काम में मनचाह परिणाम न मिलने से आपको थोड़ा तनाव और चिंता रह सकती है। ये तनाव आपको भीतर तक प्रभावित करेगा। आपको अपने कार्यों की प्राथमिकता करके उनकी अनुसार उनके निष्पादन की योजना बनानी चाहिए। कुछ लोगों के साथ आपका मन मुटाव हो सकता है। अपने लोगों के साथ बातचीत करें। करियर के मोर्चों पर आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। सावधानियां, कभी कभी अपने बारे में ही अधिक सोचना और कुछ स्वार्थ पर आने की वजह से कुछ संबंधों में खटास आ सकती है। अगर इन गुणों का सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। लव लाइफ की बात करें तो आप पिछले काफी समय से किसी की जबरदस्त प्रशंसक है, लेकिन कुछ घटनाओं से आपको ऐसा लगा है कि आपने उनके चक्कर में बस अपना समय व्यर्थ किया है। जिस पर आप इतना ध्यान और प्यार निछावर कर रहे हैं वह उनके लायक नहीं है, उनसे बेहतर को ढूंढें। आपको कोई ऐसा साथी चाहिए जो आपको भविष्य की ओर देखने में मदद करे और जिसका मानसिक स्तर उच्च हो। करियर की बात करें तो एक दुर्लभ नौकरी का अवसर आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। यह विचार करने के लिए कुछ हद तक जोखिम भरा लगेगा, लेकिन आप उस पर कार्यवाही करते हैं तो आप अपने करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सुरक्षित और संकीर्ण रास्ते की तुलना में ये समय जोखिम लेने के लिए है, ताकि जो आप अपने जीवन शैली में करना चाहते हैं वो पूरा हो। सेहत की बात करें तो आप पिछले कुछ समय से काम में काफी व्यस्त हैं, इसीलिए आपकी बार कोई नया मिशन शुरू करने से पहले पर्याप्त आराम कर लें। आप अपनी विचार शक्ति बढ़ाने तथा
सृजनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खेलों या ऐसे ही किसी कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। अपने दिमाग को पूरी तरह तरोताजा करने के लिए आप थोड़ा घूम लें, संभव हो तो शहर में ही घूमें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।